अच्छा लाला, ये शेर ने देख लिया एक और झुंड जो आपके सामने है। भैंस का आज नाश्ता बहुत ही तगड़ा होगा लाला। चलो देखते हैं, शेर जब भी जाता है अपने साथ जो है ना बड़ी ताकत के साथ जाता है, और उसे बहुत ही टैलेंट होता है शेर को शिकार करने का। सबसे पहले वो छुप जाता है ताकि जो झुंड है वो सबसे करीब आ जाए, और उनके पास जो है वो बहुत ही फुर्ती से जाना पड़ता है ताकि वो डर के बाद मारे भाग जाए। और अगर वो आहिस्ता आहिस्ता जाएगा तो वो जो भैंसे हैं सामने वो कहेंगे कि ये डर गया है, तो वो अपनी ताकत मजीद एक साथ कर देंगे और वो सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमें इसे डर। अब ये पीछे पड़ा, अब इनमें से जो पीछे रह जाएगा वो मारा जाएगा। देखना देखना, अच्छा ये लाला गया, इसकी सबसे पहले दबोचता है इसकी जो सांस वाली नाली है, ये ले 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 ले, दबोच लिया। अब ये इसे अब तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि इसकी सांस न दब जाए। और ये भैंसा जो है ये अभी क्या करेगा, ये अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन लाला सामने भी जंगल का बादशाह है, जंगल का बादशाह ये कैसे जाने दे सकता है। शेर हमेशा जो है ना, वो कोई भी होता है चीता वगैरह, वो ऐसे गर्दन से पकड़ता है जहाँ से सांस लेता है, अगर और कहीं से पकड़ेगा तो ये कामयाब नहीं होगा। तो बंदे यार देख रहे हैं इसको, छुड़ाते भी नहीं हैं और ऊपर से तस्वीरें देख निकाल रहे हैं, बेचारा मारा जाएगा मुफ्त में। लेकिन शेर ने यार मेहनत अच्छी की है और इसे इनाम तो मिलना ही चाहिए। अब देखना कि इसे क्या करेगा, कि जैसे ही गिरेगा या दूसरे इसके साथी दोस्त आ जाएंगे और अच्छा नाश्ता कर लेंगे। हाय हाय, ये जंगल में लाला अब क्या करेंगे, ये इसे अभी मरने ही वाला है। वो उसने मुंह खोल लिया है अपना, और शेर भी एक छोड़ने का अपना पूरा बल नीचे की ओर दे रहा ताकि ये भैंसा नीचे गिर गया। अब क्या काम से, अब दावा शुरू होगी तो इनके दूसरे साथी भी आ जाएंगे। शायद इन्होंने शर्त लगाई होगी कि आज तू गिराएगा तो मैं देखता रहूँगा। तो जैसे ही इसका सांस निकल जाता है तो ऊपर से एक और इसका भाई आता है, शेरू खान, और ये आ रहा है। तो ये कहता है कि यार तूने तो कमाल कर दिया, कैसे ये सब किया यार, आज तो बड़ी दावत अच्छी होगी। तो इसने कहा, अरे क्या बात है, तू तो बड़ा यार ग्रेट निकला, अपने शिकार में माहिर है, अभी ये मरने ही वाला है। लेकिन इसको शेर तब तक नहीं छोड़ते जब तक ये हिलना डुलना बंद ना हो जाए, क्योंकि ये जो भैंसे होते हैं ना, ये भी बड़े चालाक होते हैं, अपने आप को मरने की नाटक कर देते हैं, फिर शेर जो है वो थोड़ा इधर उधर तो फिर भाग जाते हैं।